लगता है कि क्या मैं अगले साल मैं करूंगा शायद अगले साल मैं नहीं ना गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। सो आज मेरे व्रत की शुरुआत होती है सरगी खाने से, जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल है। कल रात सोने से पहले मैं बहुत ज़्यादा अच्छा फीलिंग कर रही थी तो मैं कुक नहीं कर पाई। यूजली मैं सब्जी रात को कुक कर लेती हूँ, पर सुबह मैं खाने वाली हूँ परौंठी चिली फ्लेक्स वाली, क्योंकि मुझे अच्छी लगती है। वैसे भी सुबह उठ के खाने के लिए मन नहीं करता, तो वही खाओ जो आप खा सकते हैं। सो मैं खाने वाली एक परौंठी और उसके साथ एप्पल एंड थोड़े से नट्स एंड चाय पियेंगी। सो इसी से हम हमारे व्रत की शुरुआत करेंगे। तू ही की करन्या सरगी वेले। मैं तो चाहना कि मैं भी तेरा साथ जाना। आई शुड क्विट ईटिंग टू टुडे। प्यार ये थे कोनी दे होना है इना दिला के तेल बहुत तेल ना प्यार ये I like this sweater on you. I like this color. Coffee बना लिया मम्मी? Alright दोस्तों, तो अब समय हुआ है दिन के 10:30। मैं खाना खाने के बाद सोने के लिए गई और उसके बाद थोड़ी देर बाद ही मुझे उठना पड़ता है। हिम्मत का स्कूल शुरू हो रहा था तो उठ गई मैं। फिर मैंने सोचा कि आराम कर लूँगी थोड़ा, पर नहीं कर पा रही हूँ मैं। 10:30 हो चुके हैं, हिम्मत की पहली ब्रेक होने वाली है और उसको मैं कोई मील खिला के मेडिटेट करने वाली हूँ। आज जब आपका व्रत होता है तो आपको बहुत सारे काम याद आते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा काम याद आते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी यूज़ होगी, पर आज हम फालतू की एनर्जी यूज़ नहीं करेंगे और कोई भी काम टूल्स के साथ नहीं करते, लाइक सुई कैंची ऐसे कुछ भी नहीं करूँगी मैं। मेरी मम कहती हैं कि व्रत वाले दिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रेयर करना चाहिए, मेडिटेट करना चाहिए, अच्छी वाइब्स क्रिएट करनी चाहिए। सो ऐसा ही हम करेंगे, रिलैक्स करेंगे, मेडिटेट करेंगे और अच्छी पॉजिटिव एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा रिलैक्स करेंगे। देखते क्या करते हैं। मैंने पास में करवा चौथ के व्लॉग बनाने की कोशिश की पर मुझसे कभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, पर आज हम ये टास्क लेके चलते हैं कि कंप्लीट करेंगे। फ़ोन पे मैं वीडियो शूट कर रही हूँ क्योंकि मुझे ये भी हैसल लगता है कि कैमरा कौन लेने जाए, सो फिर मैं रहने देती हूँ। पर आज हम करेंगे की करती हूँ मैं सारा दिन। आप मेरा चेहरा देख सकते हैं, मेरे स्कार्स, इस समय मैंने कोई मेकअप नहीं पहना है। एक्चुअली मैं मेरे स्कार्स के लिए एक खास प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ, उसे यूज़ करते मुझे ऑलरेडी मंथ हो चुका है और एक मंथ मैं यूज़ करने के बाद उसके रिव्यूज़ आपके साथ शेयर करूँगी कि कैसे हेल्प कर रहा है। मुझे लग रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा लाइट है पहले से और आपने भी नोटिस किया है। सो उसके बाद हम उस पर रिव्यू वीडियो बनाएंगे एंड वन मोर मंथ के बाद लाइक नवंबर या दिसंबर की बिगनिंग तक मुझे लगता है कि मैं तैयार हो जाऊंगी उसके बारे में बात करने के लिए। पर या मैं सनस्क्रीन लगाना बिल्कुल नहीं भूलती हूँ, हमेशा सनस्क्रीन लगा के रखती हूँ। बेशक क्लाउडी दिन हो, ग्लूमी दिन हो, सनी हो तो लगाना ही है, पर सनस्क्रीन बहुत ज़्यादा हेल्प करता है जिनके चेहरे पर स्कार्स हैं। सो सनस्क्रीन ज़रूर लगाएं। सनस्क्रीन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्किन केयर प्रोडक्ट है, उसके बाद बाकी चीज़ें आती हैं। ऑलराइट दोस्तों, तो मैंने सोचा था कि कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिसमें एनर्जी यूज़ होती है, पर हमारे जो बाहर पेड़ हैं उनके पत्ते बिल्कुल गिर चुके हैं और बैकयार्ड भर गया है पत्तों से, और मैंने सोचा कि यार कर ही लेते हैं इसको क्लीन। पर इसको क्लीन करने के लिए हिम्मत ने मुझे हेल्प की और पत्ते इतने ज़्यादा थे कि दो बड़े बैग भर गए। हिम्मत का बहुत ज़्यादा थैंक्स, क्योंकि उसने सारे पत्तों को गार्बेज बिन में डाला और मैंने पत्तों को कलेक्ट किया, तो हमने जल्दी से ये काम फिनिश कर लिया। My head's so messed up, but I can't fold in no fear. Got sights set right up on these bands, and I'm gonna use the wipe tears. 5 years to stick into the plans I made when I was a jit. Told moms I can't go live no normal life, won't stop till I'm rich. Said, where were you when I was down bad? And the money coming to me so fast. Left the hoe, she a big dub, straightforward with it, I don't go back. Everybody living better, I still remember times when them broke down.
decided on this. Come up, I gotta get a bag for the fam now. But I got nobody to lean on. Got a cold heart in a cold world. Ever since you left, I don't know what's next. I ain't found closure. I keep a knife in my chest just to cut holes off. I don't know him. Leaving a bitch in the past. I gotta go now. It's over. Left me. For helping Hima, you were a big help. Alright, दोस्तों तो समय आ चुका है तैयार होने का और अब हम जल्दी से तैयार हो जाएंगे. चुके हैं और जल्दी जल्दी में हम हमेशा व्लॉग करना भूल जाते हैं. तो आज हमने सोचा कि टाइम एक्स्ट्रा लेके चलते हैं और बातें करेंगे. आपके क्या विचार है करवा चौथ व्रत के बारे में? आप पंजाबी में भी बता सकते हैं. थैंक यू. आज मेरी इंश्योरेंस पॉलिसी फिर से रिन्यू हुई है. ओके. आपकी वजह से हम गणा लिव लॉन्ग. बताइए सर. मैंने कहा थैंक यू. यू वेलकम. आपने मेरी इंश्योरेंस पॉलिसी रिन्यू कर दी आज फिर से. इंश्योरेंस पॉलिसी किदा? इंश्योरेंस वाले तो फायदा करता की कि तोनु कोई होना नहीं होना तो ही कुछ लेना नहीं. मेरी इंश्योरेंस में होल जीऊं ना होल लंबा रियल इंश्योरेंस. यप. डब वाला इंश्योरेंस. सो यहां पर दीदी मेरी गाड़ी स्टिल रन स्टिल रन. ओके दोस्तों, हस्बैंड की फालतू गल्ला पे इंटरेस्ट ना दें क्योंकि मुझे भी समझ में नहीं आती है बहुत बार. तुसी कैमरे ते दस्या नहीं तुहानू मेरा आउटफिट किदा लगा? बहुत बढ़िया. बहुत बढ़िया. लाइक इट? आगे से पीछे से दोनों तरफ से बहुत बढ़िया. यूजुअली इस समय पे हम चाय पीते हैं पर मैंने इनको कहा कि मत चाय पियो क्योंकि मुझे और भूख लग जाएगी. कुछ नहीं खा रहा. चाय भी नहीं पीऊंगा. चूटना मेरे साथ ही मैं खाऊंगा. नहीं नहीं एनर्जी बहुत ज्यादा कम है स्पेशली मेरे पास. तो हम थोड़ी देर में मिलते हैं. अब मैं कुकिंग करना शुरू करने वाली हूँ और राजमा राइस बना रही हूँ. पता नहीं बनेंगे या नहीं. अगर मुझसे बन जाएंगे तो अच्छा है, नहीं तो फिर अदरवाइज पिज्जा ऑर्डर कर. एनर्जी पे मेरे पास एनर्जी घर का फूड खाते हैं या बट मेरी ना एनर्जी इतनी नहीं है. कोशिश करूंगी मैं बट हो सकता है. आई नो यू कैन डू इट. मानी तो डग शायद या फ्रीकिंग व्हाट डू यू से ऑल द टाइम. यू गाइस कैन डू एनी फ्रीकिंग. यू कैन डू एनीथिंग. नो वी गोना ईट इंडियन टुडे सो मे बी वी गोना ऑर्डर इंडियन देन. आई एम ट्राइंग टू कुक. होपफुली हो जाएगा. अगर नहीं होगा तो देखते हैं. और मैं हस्बैंड महाशय को कहना चाहता हूं. ओके कोई हस्बैंड मेरे कोई मैसेज देना चाहते हैं आउट देयर हस्बैंड महाशय को दो. भाई साहब, अगर आपने अपनी बीवियों को खुश रखना है मेक श्योर यू गाइस फास्ट टू लाइक मी. गाइस ये हंसता हुआ चेहरा क्योंकि मैंने बलिदानी दिया खाने के लिए. गाइस ये झूठ बोल रहे हैं. ये कभी नहीं नहीं तो ये झूठ बोलन दे. गाइस ही इज लाइंग. वो चलता है ना कहते आपा मोटिवेट करदा चाहे सच हो झूठ हो. वी हैव टू मोटिवेट ईच एंड एवरीवन आउट देयर. कई लोग देखिया बिल्कुल फास्ट करते हैं. पति कई ऐसा दे पति है जो बिल्कुल कुछ नहीं खांदे. मैं थोड़ा डॉक्टर ने कहा ना ये नहीं भूखे रह सकते. अगर ये भूखे रहे तो ना सिर दुख सिर ऐसा दर्द करना शुरू हो जाता है कि इरिटेटिंग हो जाता है और इतना एंगर आता है. कर पाता मैं जरूर करता. मुझे कुछ मेडिकल इश्यूज है. मुझे डॉक्टर ने कहा कि भूखा नहीं रहना. आप लोग करिए, आप लोग फास्टिंग कीजिए. मेरी थोड़ी सी दिक्कत है ना. और प्यार ये जी ये चाल भी अगले साल मैं करूंगा शायद. अगले साल पर मैं ही ना करूं. पर यार मजा आता है मुझे तैयार होने में, यू नो, सारा कुछ करने में. और नहीं दोस्तों, मैं क्विकली कपड़े चेंज करके कुकिंग करूंगी और जब हम
मून हमें दिखेगा, पता नहीं दिखेगा या नहीं, पर मैंने किसी समझदार बंदे से पूछा है, उन्होंने कहा है कि जब मून राइज हो जाता है आपके एरिया में तो आप मून की तरफ फेस करके उस आप अपना व्रत खोल सकते हैं। क्योंकि बहुत बार मेरे साथ हुआ है कि मैंने 11-12 बजा दिए हैं व्रत खोलने के लिए, पर आज मुझे लग रहा है कि मून राइजिंग 7:30 तो हो जाए ना भाऊ। सो इट्स ओके, या थोड़ी देर में मिलते हैं आप लोगों से। दोस्तों तो हम लोगों को मून हमारे घर से दिख नहीं रहा था, तो हम लोग बाहर गए थे, मैंने वीडियो बनाने की कोशिश की पर पता नहीं हिम्मत बना पाया है या नहीं, मैं वो यहाँ पे शेयर कर देती हूँ आपके साथ। दोस्तों तो अंधेरे में हम लोग मून को ढूंढने के लिए जा रहे हैं, हमें लगा कि हमें हमारे घर से नहीं दिख रहा था, थोड़ी ऊंची जगह से दिख जाएगा। और मेरे पास मेरे अर्घ का सामान है, हमें मून मिलता है और मैंने मोटे कपड़े पहन लिए हैं क्योंकि ठंड है हमारे यहाँ पे, पर नॉर्मल से कम है ठंड आज। सो यस, हम मून को ढूंढेंगे एंड व्रत को खोलेंगे। ऑलराइट दोस्तों, हमें मून मिल चुका है, बहुत ज़्यादा लो है वो और बहुत ही ब्यूटीफुल है और ऑरेंज किस्म का है। एंड अब देखते हैं कि कहाँ पे हम हमारी गाड़ी को पार्क करें और हमारा व्रत खोलें। So many lights. Street night and moon mix. Okay, दोस्तों बहुत ज़्यादा ठंड है तो पहले हम setup लेंगे और फिर बहुत अच्छा दिख गया हमें, मैं आपको दिखाती हूँ एक ही सेकंड में। ये देयर इज मून, लेट्स गो होम नाउ। और अब हम घर आ चुके हैं, आते समय हमने मैकर्स से फ्राइज ले ली थी और मैंने थोड़ी सी फ्राइज खाई है, मुझे भूख तो बहुत लग रही है तो मैं खाने वाली हूँ राजमा राइस। मैंने राजमा राइस बनाए हैं एंड मज़े से खाऊंगी। सो राजमा को बनाते समय मैंने टेस्ट नहीं किया था तो अब मैंने देखा है कि नमक कम है तो हमने नमक ऐड कर दिया है और बहुत भूख लग रही है मुझे। वो तो नवी पर था राइस थे या बच्चों। आई होप आपने आज का व्लॉग इंजॉय किया होगा, अगर किया है तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि आपका करवा चौथ कैसे गया और आपको मेरा व्लॉग कैसे लगा। एंड लाइक ज़रूर करें, लाइक से मुझे पता चलता है कि आपको मेरे व्लॉग अच्छे लग रहे हैं या नहीं। मेरे पास बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं है उछल कूद करने के लिए, पर या दैट्स इट। सो नीचे मैंने आउटफिट पहना, ऊपर मैंने ये पहन लिया रॉब क्योंकि हमारे यहाँ पर ठंड है। वैसे आज बहुत ज़्यादा ठंडा दिन है पर फिर भी ठंड है। सो मैं मिलूंगी नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और बिल्कुल मत भूले दोस्तों, यू गाइस आर ब्यूटीफुल द वे यू आर, स्टे हैप्पी कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रांग, वी गाइस कैन डू एनीथिंग, ऑल यू हैव टू डू इज थिंक अबाउट इट एंड टेक एक्शन, दैट्स इट, बाय लालू।